हाय एवरीवन वेलकम टू डिस्टल जी के क्लासेज तो फाइनली आप सभी की जो है आंसर की आ चुकी है रिस्पांस की आया है एंड आपकी आंसर की आई है ठीक है तो देखो रिस्पांस और आंसर की को कैसे मिलाना है काफ़ी लोग परेशान हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिला है क्योंकि पिछली बार जो है ना क्वेश्चन पेपर भी दिया था इस बार क्वेश्चन पेपर नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ढूंढने मत जाना क्योंकि वो है ही नहीं आपको केवल रिस्पॉन्स की एंड आंसर की इन्हीं दोनों का काम है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करो क्योंकि मेहनत आपके लिए है और जो मैंने बोला है as it is, वैसा ही हुआ है तो एक छोटा सा काम है इतना तो आप कर ही सकते हैं तो चलो देखते हैं सबसे पहले मैं क्या करती हूं कर लेती हूं उसके बाद से मैं रिस्पॉन्स की डाउनलोड करके आपको दिखाने वाली हूं तो देखो ये जो ऐसे यहां पर ऊपर ही आपको दिख जाएगा ये सर्कुलेट हो रहा ना प्रोविजनल आंसर की इसको डाउनलोड कर लेते हैं अच्छा इसमें आपको पेपर वन पेपर टू दोनों ही मिलेगा तो परेशान नहीं होना है पेपर टू वाले परेशान मत होना इसी में आपकी पेपर वन पेपर टू दोनों की आंसर की यहाँ पर देखो लिखा है इस पर क्लिक कर लेना आंसर की आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और एक चीज़ और है जो लोग फोन में यूज़ करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी ये जो तीन जो बटन है ना ऊपर यहाँ पर देखो ये रहा इसको क्लिक करके ना डेस्कटॉप मोड में कर लेना सो so दैट आपको दिक्कत ना हो नहीं तो फोन में रहता है तो ये देखो यहाँ पर आपको ऐसे ब्लू टिक कर देना है तो ये अच्छे से खुलेगा अदरवाइज फोन में आपको पता है अगर डेस्कटॉप पे आप नहीं करोगे तो बहुत ही बड़े सिम्बल्स ये सारे दिखते हैं अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो ये अपना टिक करके रखना अब हम क्या करेंगे इसको कर लेते हैं डाउनलोड ये देखिए हो गया डाउनलोड ठीक है मैंने आंसर की डाउनलोड कर लिए मेरा काम खत्म हो गया अच्छा एक चीज़ याद रखो इसमें हर एक डेट की आंसर की आई है और यहाँ पर देखिए ये आंसर की आपको ऐसे मिलेगा ऐसे है ये पूरा 93 थ्री यहाँ पर है फिर आपको दूसरे पेज में जाएंगे तब जाके आपका 150 कंप्लीट होगा तो इसलिए हर एक डेट वाइज निकला है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है ये देखो मॉर्निंग की शिफ्ट है और उसी के नीचे आपको उसी दिन का इवनिंग का भी शिफ्ट मिल जाएगा ठीक है तो 28 से लेकर 7 फरवरी तक की सभी की आंसर की इसी एक में मिलेगा मॉर्निंग इवनिंग दोनों जो आंसर की ये एक साथ दिया है पिछली बार से चेंज है पिछली बार अलग अलग था इस बार सब कुछ एक में ही है तो चलो हमारा ये तो डाउनलोड हो गया बट रिस्पॉन्स की कहाँ से लें इसके लिए आपको आप जो है ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो वो भी चलो मैं समझा देती हूँ ये देखो अब हमको बैक आ जाना है और अपना रिस्पॉन्स की देखना है तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार करती हूँ सो दैट अच्छे से समझाऊँ देखो फिर से सीटेड के ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है अब मैं नीचे आऊँगी क्योंकि हमको अपना रिस्पॉन्स की देखना है ये देखो ये जो कैंडिडेट एक्टिविटी है ना यहां से आपको अपनी रिस्पॉन्स की मिलेगी ओके तो यहां पर आपको ये जो लॉग इन सीटेड दिसंबर 2022 है ना इस पर क्लिक करना है तो आपने उस दिन क्लास में बैठ के कौन सा गोला जो है टिक किया था वो वाला आंसर की आपके सामने है कि आप कितना पढ़ के गए थे और आपने कितने आंसर सही किए हैं कौन कौन सा ऑप्शन लगाए सबका समझ लो एक तरफ से चिट्ठा पूरा आपके सामने खुलने वाला है आपके खुद का रिस्पॉन्स के साथ तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहां पर मैं क्लिक कर देती हूँ ये देखिए ये ऐसा इंटरफेस खुल गया है अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड तो ये मैंने रखा था सो so दैट मैं दोबारा से बार बार मुझे फिल ना करना पड़े और ये रहा सिक्योरिटी पिन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर ना उतना क्लियर नहीं दिखता है चलो कोशिश करते हैं अच्छा एक चीज़ और है एक बार ना हो पाए तो दोबारा से कर लेना परेशान नहीं होना है बस कि मेरा नहीं हो रहा है मेरा लिंक नहीं खुल रहा है मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है ठीक है और ना समझ में आए तो कमेंट करना हजार बार भी बनाना पड़े वीडियो बनाऊंगी बस आपका सब कुछ अच्छे से होना चाहिए यहाँ पर देखिए ये हो गया जैसे ही मैंने किया अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है ये देखिए सी लैंग्वेज वन हिंदी लैंग्वेज टू संस्कृत पेपर वन समझा रही हूँ अच्छे से समझ लो ताकि जिसका जो पेपर है वो डाउनलोड करे यहाँ पर देखिए सीटेड एस एस मतलब सोशल साइंस लैंग्वेज वन हिंदी है लैंग्वेज टू संस्कृत है पेपर टू है अच्छा ये पता है ये किसके पे दिखेगा मान लो जिसने केवल पेपर वन भरा है तो केवल उसका पेपर वन का सामने आएगा और जिसने दोनों पेपर भरा है उसका दोनों आएगा तो ये मत बोलना कि मेरे में दो क्यों नहीं आ रहा है आपने अगर पेपर वन ही भरा होगा तो ये वाला आपका दिखेगा ही नहीं और अगर किसी ने यहाँ पर सोशल साइंस की जगह पर मैथ एंड साइंस लिखा होगा तो उसका मैथ और साइंस आएगा ठीक है तो ये भी मैंने आपको बता दिया है तो चलो मैं पेपर वन करती हूँ ये देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है हाँ ये देखिए आ गया ना ये देखो सत्ताईस का पेपर है ये सत्ताईस एक दो हज़ार तेईस का पेपर है सुबह की शिफ्ट थी साढ़े नौ बजे की अब इसको मैच कैसे करना है वो मैं आपको एक या दो करके दिखाने वाली हूँ अच्छे से तो देखो ध्यान से सबसे पहले चलो हम पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पेंसिल को पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है जबकि फुटबॉल को धकेलना किस कौशल का उदाहरण है ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वन है और इसका आंसर इन्होंने क्या लगाया है आंसर इन्होंने वन दिया मतलब पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर भी पहला होगा अब मैं इसको ढूंढूंगी किस में तो मैं जाऊँगी ऑफिशियल आंसर की पे और वो है सत्ताईस एक दो हजार तेईस तो मुझे इस वाले पे सीधे जाना है क्वेश्चन पहला देखना है पहला का पहला होना चाहिए अगर मैच हो जाता है इट मींस कि एक नंबर मेरे हाथ में है तो चलो अब आंसर की भी डायरेक्ट आंसर के पे ही चलते हैं ये रहा ये देखो सताइस एक दो हजार तेईस है ना तो काफी नीचे जाना पड़ेगा ये तो हम्म हाँ, अब आने वाला है आपको भी जिस दिन का होगा सीधे उसी पे जाना और अपना आंसर कॉपी में बैठ अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलाना है सत्ताईस एक दो हजार तेईस थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इस बार अच्छा है कि क्वेश्चन पेपर का झमेला नहीं है नहीं तो पिछली बार दिमाग खराब हो गया था तीन तीन से मिलाने में इस बार आप सब अच्छे से मिला लोगे तो इन्होंने थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है अपने सिस्टम में लग रहा है जो कि अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए तो ये देखिए हमारा आ गया है ये पच्चीस का था ना छब्बीस को कोई पेपर ही नहीं था ये रहा सताइस का आपने देखा सताइस एक दो हज़ार तेईस इवनिंग सॉरी मॉर्निंग की शिफ्ट है पहला क्वेश्चन का उन्होंने क्या लगाया था पहला आंसर लगाया था तो सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पे पेपर वन है सीडीपी का और पहला आंसर सीटेड ने भी माना है इट मीन्स कि इनका पहला जो आंसर है वो सही है सी के हिसाब से और एक नंबर इनके हाथ में है ठीक है तो यहाँ पर आप देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ ये देखिए यहाँ तक आपकी सी है ये देखिए उसके बाद से आपका मैथ है मैथ के बाद से यहाँ पे पूरा आपका ये ये वाली पूरी रो ई है ये इंग्लिश है और नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर देखो हिंदी भी है ठीक है इंग्लिश है हिंदी है सारे लैंग्वेज है इसलिए कोई परेशान मत होना कि मेरा क्यों नहीं दिख रहा है ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर हिंदी है यहाँ पे बंगाली है यहाँ पे संस्कृत है ये सब उसी शिफ्ट का है तो जिसका जो पेपर है इंग्लिश है हिंदी है संस्कृत है बंगाली है वो सब अच्छे से अपना मैच कर लें यहाँ पर देखो संस्कृत है तेलुगु है सारे आंसर हैं ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको और ये रहा इवनिंग का शिफ्ट तो इवनिंग वाला जिसका पेपर होगा वो भी डाउनलोड कर लेना अब एक और मैं आपको दिखाती हूँ पहला हमारा सही था ना अब मैं आपको एक मैथ का दिखा देती हूँ ये रहा ये सताईस एक दो हजार तेईस है तो पहले हम यहीं से मैथ का आंसर देख लेते हैं कि मैथ का कितना आंसर है तो देखो मैथ का जो है ना थर्टी वन में सीटेट ने मैथ का आंसर कितना माना है तीसरा माना है देखो तीसरा माना है सीटेट ने तो चलो हम चलते हैं सीधे थर्टी वन पे मैथ्स पे अब यहां पे है तो ये आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरा एक एक एग्जाम्पल ये तो वन फोर्टी थ्री हो गया थर्टी वन चलना है ना हमें ये रहा आई थिंक यही है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है चलो कोई नहीं हम पच्चीस का ही देख लेते हैं वो अच्छे से क्लियर ही नहीं आ रहा है नीचे अभी थोड़ा सा टाइम नेटवर्क अच्छा इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है आई थिंक यहाँ पर चलो ये वाला जो खुला है वही देख लेते हैं पच्चीस का देख लेते हैं तो ये देखो क्वेश्चन पच्चीस है ना कि रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग करती है अब ये तो आंसर है अब सारी अभी सारी आत्म केंद्रित अतार्किक अब जिसका है ये पेपर उन्होंने कौन सा आंसर माना है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर वन माना है तो ये कौन सा क्वेश्चन है पच्चीस पच्चीस का क्या माना है पच्चीस का देखो पहला माना है ठीक है अब हम चलते हैं पच्चीस वाले क्वेश्चन पे पहले पे। देखो सत्ताइस एक दो हजार तेईस को पच्चीस का वहाँ पर रिस्पॉन्स की में क्या था आंसर पहला था ना अब यहाँ पर देखते हैं क्या लगा है तो सीधे पच्चीस नंबर पर आ जाओ और ये देखो पच्चीस पे पहला इट मीन्स कि रिस्पॉन्स की में भी पहला था आंसर की में भी पहला है जो उसकी सीट ने माना है तो यहाँ पर भी एक नंबर मिल गया बस ऐसे ही मिलाना है क्या आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना वहाँ पे वन से लेकर वन तक लिखते जाना आंसर मिलाते जाओ और अपना आंसर जो है जो सही है उसको टिक करो जो गलत है उसको क्रॉस करो फिर लास्ट में अपना आंसर मिला लेना और मुझे बता देना कि कितने नंबर आपके आए हैं फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मैं फिर से वीडियो बना के समझा दूंगी बट सभी लोग आंसर जरूर मिलाना क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलता कि कितने नंबर हमारे गए कितने नंबर आए हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस एक वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग